गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। आज की जो मैं कहानी आप सबके साथ बांटने वाली हूँ, उस कहानी का टाइटल है कि छोटे कुत्ते को कैसे पता था। तो इस कहानी में एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम डेरेक होता है और वो 10 साल का होता है। तो वो जैसे ही अपने स्कूल से आता है एक दिन, तो उसकी मम्मी उसको आवाज लगाती है, डेरेक डेरेक। तो वो अपना सारा सामान रखता है और मम्मी के पास किचन में जाता है, और उसकी मम्मी उसको एक पेपर देती है जिसमें कुछ सामान लिखा होता है, और वो लिस्ट के साथ साथ उसकी मम्मी उसको एक छोटा पर्स देती है और बोलती है कि तुम ये सामान दुकान से लेके आ जाओ, मुझे इस सामान की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसे ही वो जाने लगता है तो उसकी मम्मी उसको आवाज लगा के रोकती है, बोलती है कि एक मिनट, ये कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, ये तुम जाते जाते आंटी को देते हुए जाना। तो वो न्यूज़पेपर्स लेता है और एक थैला लेता है और सारा सामान उसमें डालकर दुकान के लिए निकल जाता है। घर से निकलता है जैसे ही वो क्रॉस करता है रोड, और रोड क्रॉस करके जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो वो देखता है कि एक पार्क में उसके दोस्त लोग खेल रहे होते हैं। वो उनको देखता है और आगे चलने लगता है। उसके दोस्त उसको आवाज लगा के रोकते हैं, बोलते हैं, डायरेक्ट तू आ नहीं रहा खेलने के लिए, तेरे को खेलना नहीं है क्या हमारे साथ? तो फिर वो बोलता है कि मैं आऊंगा खेलने, तुम लोग अभी खेलो, मेरे पास कुछ काम है, मैं वो काम निपटा कर फिर आऊंगा खेलने के लिए। तो वो उनको बोलकर निकल जाता है। वो आगे जैसे ही जाता है तो उसके आंटी का घर पड़ता है, तो उसकी आंटी को वो न्यूज़पेपर देते हुए दुकान के लिए निकल जाता है। दुकान पहुंचता है तो दुकान वाले के हाथ में वो सामान की लिस्ट पकड़ाता है और दुकान वाले को बोलता है, ये सामान इस थैले के अंदर डाल के मुझे दे दीजिए। तो वो जैसे ही सामान डाल के उसको पकड़ाते हैं और बोलते हैं, आप रिसेप्शन पे पैसे पेमेंट कर दीजिए। तो वो पैसे देने के लिए जैसे ही रिसेप्शन पे जाता है तो वो देखता है कि वहां पे बहुत भीड़ होती है। तो वो तब तो सोचता है कि चलो मैं पैसे हाथ में निकाल के रखता हूँ, और जैसे ही वो अपना हाथ पॉकेट में डालता है तो उसका पर्स उसकी पॉकेट में नहीं होता है। दूसरी पॉकेट में चेक करता है तो दूसरी पॉकेट में भी नहीं होता है, और फिर वो घबरा जाता है कि पर्स मैंने कहीं खो तो नहीं दिया। तो वो दुकान वाले को बोलता है कि आप ये सामान रखिए, मैं अभी आकर ये सामान लेकर जाऊंगा। और फिर से वो उसी रास्ते वापस जाता है जिस रास्ते से वो आया होता है, और वो पर्स को हर जगह ढूंढने लगता है, पर उसको पर्स उसका कहीं भी नहीं मिलता। हार कर वो मौसी के घर जाता है और मौसी से पूछता है कि क्या मैं अपना पर्स यहाँ तो नहीं भूल गया? तो उसकी मम्मी, उसकी जो मौसी होती है, वो बोलती है कि नहीं, तुमने यहाँ नहीं भूला। पर उसकी मौसी बोलती है, कोई बात नहीं, चलो हम लोग इस बात पे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो जरूर हमारा पर्स हमें वापस दिलवा देंगे। तो जैसे ही वो लोग दुआ करते हैं घुटने टेक कर, और उसकी मौसी आमिन करके अंदर कमरे में जाती है और कुछ पैसे लेकर आती है, और वो डेरेक को देती है, बोलती है, डेरेक ये पैसे रखो और इस पैसों से तुम मम्मी ने जो सामान लाने के लिए दिया है वो सामान लेकर आ जाओ और मम्मी को दे दो, उनको जरूरत है उस सामान की। तो वो पैसे ले लेता है उनसे, और पैसे लेकर मौसी को थैंक यू बोलता है, और उसकी मौसी बोलती है, चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि हमारा पर्स हमें वापस मिल जाएगा। तो डायरेक्ट घर से बाहर निकलता है। इस बार वो बहुत दुखी होता है, इस बार वो उसको चिंता होती है कि पर्स खो गया, अब वो घर जाएगा तो मम्मी से उसको डांट पड़ेगी। पर वो घर दुकान पे जाता है और दुकान से सामान लेकर घर पहुंचता है। घर पहुंच के किचन में जाके वो सारा सामान रख देता है और मम्मी को सब कुछ बताता है कि मम्मी कैसे कैसे मैं गया और पर्स मुझसे खो गया। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, पैसे खो गए तो अब कुछ नहीं कर सकते, मुझे पता है कि वो पैसे वापस हमें नहीं मिलने वाले हैं। तो और उसके बाद उसकी मम्मी फिर से किचन में जाके खाना, शाम का खाना बनाने के लिए तैयारी करने लग जाती है। तो खाना बन जाता है। उसके बाद शाम को जैसे ही खाना बन जाता है तो उसकी मम्मी आवाज लगाती है, चलो आ जाओ, खाना तैयार है, अब हम लोग बैठ के खाना खाते हैं। तो जैसे उसकी मम्मी उसको आवाज लगाती है तो वो देखती है कि उनका मेन गेट खुला होता है। तो वो बोलती है, डायरेक्ट तुम मुंह हाथ धोकर आना और मेन गेट खुला है, मेन गेट बंद कर कर आना। तो वो जैसे ही जाता है मेन गेट बंद करने के लिए तो वो देखता है कि एक काले कलर का छोटा सा कुत्ता गेट के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो
डायरेक्ट दरवाजा पूरा खोल देता है ताकि वो डॉगी अंदर आ जाए। वो कुत्ता अंदर आता है तो देखता है कि डॉगी के मुंह में कुछ दबा होता है, और वो कुत्ता डेरेक के ऊपर उछकता है और उसके मुंह में जो होता है वो उसके पैरों पर गिरा देता है। डेरेक जैसे ही झुक के वो देखता है कि उसने क्या गिराया कुत्ते ने, तो वो देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो तो वही पर्स होता है जो उसकी मम्मी ने दिया होता है उसको सामान लाने के लिए। तो वो बहुत खुश होता है जैसे ही पर्स देखता है, और तुरंत मम्मी को आवाज लगाता है। फिर बोलता है, मम्मी देखो हमें हमारा खोया वो पर्स वापस मिल गया। तो उसकी मम्मी भागती भागती आती है, देखती है वो तो वही पर्स होता है जो उसकी मम्मी ने उसको दिया होता है सामान लाने के लिए। तो जैसे ही मम्मी पूछती ये कौन लाया पर्स, तो फिर वो बोलते देख मम्मी ये तो ये कुत्ता लेकर आया। तो डायरेक्ट जैसे ही वो कुत्ता मम्मी को दिखाता है तो उसकी मम्मी बोलती है, ये कुत्ता तो मैं पहली बार देख रही हूँ, आज से पहले मैंने कभी भी ये कुत्ता हमारी गलियों में नहीं देखा, ये तो कोई नया कुत्ता है। तो ये इतना बोलती है उसकी मम्मी, फिर बोलती कोई बात नहीं, चलो हम इस बारे में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और वो लोग नील डाउन करते हैं वहां पे, घुटने टेकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उनका उनको खोया हुआ पर्स वापस मिल गया, उनको उनके पैसे वापस मिल गए। और धन्यवाद देने के बाद उसकी मम्मी ये पूछती है कि इस कुत्ते को कैसे पता चला कि हमारा घर कौन सा है और ये पर्स हमारा है। तो डायरेक्ट बोलता है, मम्मी भले ही कुत्ते को नहीं पता था पर परमेश्वर को पता था कि ये घर हमारा है, और परमेश्वर को पता था कि ये पर्स भी हमारा है, इसीलिए परमेश्वर ने एक कुत्ते के थ्रू हमें हमारा पर्स वापस करवा दिया। तो उसकी मम्मी ये सुनकर ये बोलती है कि हाँ शायद ये हमारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर भी चाहता था, परमेश्वर जानता था कि मेरा विश्वास कमजोर है और परमेश्वर चाहता था कि मैं अपने आप को विश्वास में मजबूत कर सकूं। तो आज हमारे ऊपर यही सवाल आता है कि क्या हमारा विश्वास भी डेरेक की मम्मी की तरह डगमगाता हुआ, जो विश्वास हम जल्दी से खो देते हैं। तो आज हमारे पास समय है, अगर हमारा विश्वास भी डगमगाता हुआ है तो हमारे पास आज समय है कि हम अपना विश्वास मजबूत कर सके, हम परमेश्वर से दुआ करें। जैसे अब्राहम का विश्वास था, आइजक का विश्वास परमेश्वर के ऊपर मजबूत था, वैसे आज हमारे ऊपर भी लागू होता है कि हम भी अपना विश्वास परमेश्वर पर मजबूत कर सके। मैं उम्मीद करती हूँ इस छोटी सी कहानी से आपको आशीष मिली होगी, खुद को परमेश्वर में बढ़ा सके और हमारा विश्वास उसमें मजबूत कर सके। सबको जय मसीह की, धन्यवाद।